बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चमचमा जी, सऊदी अरब में मिल जाते हैं लेकिन पाकिस्तान की बात ही कुछ और है। माशाल्लाह, यहाँ पर आपको पता ही, जो प्योर सऊदी अरब में ओरिजिनल प्योर आपको दूध मिलता है या जो अलमराई वगैरह का होता है, लेकिन आपको पता है वहाँ पर ज़्यादातर वो डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेश दूध के बनते हैं। बेहतरीन चीज़ है, पाकिस्तान की शुरुआत है। अच्छा, बात कर लेंगे जी, जो छः साल के बाद इकामा नहीं लगेगा। सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रखी हैं, 6 साल के बाद इकामा नहीं लगेगा। बहुत से आपके साथ बंदे न्यूज़ शेयर कर रखे हैं कि जिन बंदों को 6 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, उनको बहुत जल्द सऊदी अरबिया से फारग कर दिया जाएगा, यानी कि सिंपल लफाज में उनको खरूज भेज दिया जाएगा। अच्छा, पहले वीडियो के शुरू में ही एक दो बातें आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सी आवाम के भाई इकामे है ही नहीं, पता है जी आपको, आप खूब ही जानते हैं, जो आपके इर्द गिर्द देखे, आप खुद से देखे, इकामे नहीं है, अपडेट ही नहीं है, यानी कि रिन्यू नहीं किए हुए हैं। 2 साल से ख़त्म है, 3 साल से ख़त्म है, 1 साल से ख़त्म है, 6 माह से ख़त्म है। बहुत से बंदों को तो इकामे नहीं है, उनको तो भाई 6 साल चाहे बाद निकाले, चाहे 10 साल बाद निकाले, चाहे 2 साल बाद निकाले, उनके इकामे नहीं है, कंपनी बनाती नहीं है, उनको क्या टेंशन है, उनको जब मर्जी निकाल दें, बस कंपनी से हिसाब लेकर दे दें। और उसके बाद जो साय खास और अमल मंत्री या छोटे महना वाले हैं, इनके ऊपर जो सख्ती चल रही है ये भी आपको पता है, वो भी जब भी किसी के हाथ लग गए दिहाड़ी वगैरह के ऊपर तो वो भी गए। तो 6 साल वाली बात ही एक तरफ रह जाती है अगर इन चीज़ों को सोचे तो। बहरहाल, इस न्यूज़ के मुतालिक जो अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है वो आपके साथ शेयर करूँगा जी मैं। भाई, बात यह है कि किसी भी बंदे ने, जिस किसी की भी आपने इसके मुतालिक न्यूज़ या खबर देखी होगी, उसने अगर आपको ये बताया उस वीडियो में कि ये सोर्सेस है जी, यानी कि मैंने ये खबर इस पेज से ली है, जो कन्फर्म पेज हैं सऊदी अरब अखबार अलजला, अखबार सऊदी है और 24 है, ये कन्फर्म जराए हैं, जवाबात मकतब अमल वगैरह कहीं से आपको दिखाई नहीं दिखाई होगी। सिंपल लफाज में आपके साथ बात की होगी कि भाई ऐसा होने वाला है, मैं खुद से बोल रहा हूँ ऐसा होने वाला है, हर बंदा बोल रहा है ऐसा होने वाला है, तो ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसके ऊपर भाई मजलिसे शूरा की तरफ से ये राय दी गई है कि जिन अफराद को 6 साल से जायद का अरसा हो चुका है या 6 साल पूरे हो चुके हैं, उनको भाई सऊदी अरबिया से उनका, यानी कि बाइज्जत तरीके से उनका खरूज लगाकर उनको वापस भेजा जाए, ताकि वो न्यू वीज़ा के तौर पर दोबारा से अगर सऊदी में आना है तो आ सके। लेकिन मैं खुद से इस मसले के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ये झूठ है जी, ये किसी ने ऐसी खबर फैलाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये एक फेक न्यूज़ है, ये कन्फर्म बात है। कुछ कंपनीज में ऐसा हो सकता है और पहले से हो रहा है, जैसे कि बिन लादन है, जब आप वीज़ा लेते हैं तो आपको वहाँ पर एग्रीमेंट किया जाता है 2.5 साल का, 5 साल का, 2 साल का, आपको पता है जी बिन लादन वगैरह ऐसी बड़ी कंपनी है, उनके भाई एग्रीमेंट होते हैं 2 साल, 5 साल, 7 साल के, कि ये अराउंड में आपने आपका इतने साल का वीज़ा है, उतने साल जब गुजरते हैं तो आप वीज़ा या तो उनसे रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अगर आप उनको चाहिए तो आपका वीज़ा बढ़ा देते हैं या आपका खरूज लगाकर आपके वतन वापस भेज देते हैं, ऐसा पहले से हो रखा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ के ऊपर, जो मेरे खासकर आज़ाद भाई हैं काम करते हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होंगे, भाई इस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें ना हुकूमती सतह के ऊपर, तो मुझे ये फेक लगता है, मुझे इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं लगती है, और ना ही कहीं मैंने कन्फर्म जराए से ऐसा कोई भी कहीं पढ़ा हो या कहीं मैंने सुना हो, वरना आपके साथ यहाँ पर मैं ज़रूर शेयर कर देता कि भाई ये कन्फर्म न्यूज़ है, इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है। अभी तक के मामला सिर्फ शक की बिना पर बोले जा रखे हैं और इसमें कोई भी किसी किस्म की सच्चाई नहीं।